हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मोदक की रेसिपी। तो अभी गणपति का त्यौहार आने वाला है तो हम उसके लिए बना रहे हैं। मैं पहले रेसिपी अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेसिपी चाहिए रहता है, तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 कप 3 वाटी हमने चावल का आटा लिया है। तो हमें ये बॉईल करेंगे जब पानी को, तब हमें पानी डालना है 6 कप 6 वाटी डालना है। तो यहाँ पे हमने लिया है खोपरा, ये गीला खोपरा है, इसको हमने खींच लिए है। आप लोग चाहे तो इसे सूखा खोपरे में भी बना सकते हैं, लेकिन ये गीला खोपरे में ज़्यादा अच्छा बनता है। ये साथ में यहाँ पे लिए हमने 1/2 किलो गुड़ है, इसे भी थोड़ा सा बारीक काट लिया है। तो साथ में यहाँ पे लिया है काजू और बादाम और इलायची पाउडर। साथ में हम लेंगे घी। तो गाइस, हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे जब ये इसका जो पूरन बनेगा ना मोदक के अंदर, उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद के लिए। और साथ में हम चावल का जो आटा बनाएंगे उसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के लिए। तो यहाँ पे हमने रखा है कढ़ाई, इसे गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे पानी। हमें पहले इसका पूरन बना के लेना है, जो मोदक के अंदर रहेगा वो स्टफिंग बनाएंगे हम। तो हम डालेंगे सबसे पहले 2 चम्मच के करीब घी, थोड़ा सा इसे मेल्ट होने देंगे। तो अभी हम डालेंगे हमने जो पीस के रखा था खोपरा, और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है इसे। गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है और इसे अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे खोपरा भून रहा है, तब तक हम इधर दूसरे साइड में हम रखेंगे पानी, इसे बॉईल करने रखेंगे। हमने 3 वाटी चावल का आटा लिए थे तो हम 6 वाटी पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, हमें इसे जब तक भूनना है ताकि इसके अंदर से अच्छे से खुशबू आ जाए। अभी हल्का हल्का इसके अंदर से खुशबू भी आने लग गई है खोपरा और घी का। तो गाइस, हमने खोपरा भून के हो गया है, तो अभी हम डालेंगे गुड़। तो हमें इसे अच्छे से गुड़ को खोपरे में मिक्स करना है। गाइस, हमने जो काजू बादाम और इलायची का पाउडर रखे थे वो भी डाल दिए। तो हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, चुटकी भर नमक, नमक टेस्ट के लिए डाला जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें गुड़ को अच्छे से खोपरे में मिलने तक, तब तक हमें इसे फ्राई करेंगे। जब गुड़ गुल जाता है खोपरे में तब हम गैस को बंद कर देंगे। गाइस, हमें इसमें थोड़ा सा पानी में भी घी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो गाइस, अभी गुड़ अच्छे से घुल गया है खोपरे में, आप लोग देख सकते हो। तो हम थोड़ा सा इसे ड्राई होने देंगे। तो गाइस, अभी हम गैस को बंद कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये कड़क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो साथ में यहाँ पे इसमें पानी में आ गया है उबाल, तो अभी हम डालेंगे आटा, चावल का आटा। हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है चावल का, और साथ में एक साइड से चम्मच से हिलाना भी है। एक साथ में डालना नहीं है हमें आटे को, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हिलाते रहना है इसे। तो गाइस, हमने अच्छे से पूरा आटा डाल दिए और एक साथ में देख सकते हो आप लोग, इसका आटा भी अच्छा बन गया। इसे हमें 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे ढक के रखना है प्लेट। तो गाइस, अभी 5 मिनट हमने ढक्कन लगा के पकाने रखे थे, तो अभी हम गैस को बंद कर देते और ढक्कन लगा के इसे छोड़ देते ठंडा होने के लिए। तो गाइस, हम ढक्कन इसके लिए लगा रहे कि आटा ये अच्छे से सेट हो जाए और मोदक के बनाने के लिए रेडी हो जाए आटा। तो गाइस, अभी हमने 5 मिनट के लिए रखे थे तो थोड़ा सा सेट हो गया आटा। तो अभी हम पैन के नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए। टॉप में रखेंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होएगा और हमें
जल्दी बनाना भी है इसके लिए प्लेट में रख रहे हैं ठंडा होने के लिए। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो हमें इसे बनाना है। हमें इतना गोल आटा लेना है, इसका पेड़ा बना के हमें इसे कटोरी की जैसा हल्के हाथों से थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं आपको, और इसे अंदर की तरफ से हमें जैसा हम पराठा वगैरह बनाते हैं वैसा हमें इसे बनाना है। इसे एकदम पतला बनाना है और पतला बना के हमें इसके अंदर वो जो पूरन बना के रखे थे हमने वो डालना है। ये देख सकते हो आप लोग कि मैंने कितना पतला बनाई हूँ, तो हमें इसके अंदर ये जो स्टफिंग बनाए हमने वो डालेंगे। और हमें इसे अच्छे से इसे फोल्ड करना है, पीछे से दो उंगली ऐसा डाल के हमें अंदर के साइड में पीछे से दबाना है। तो गाइस हमें ऐसा करके हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है ऊपर के तरफ से। को लगता है अगर थोड़ा सा ये है तो थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं आप। तो आप लोग देख सकते हो हमारा मोदक बन के रेडी हो गया है। इसे हमें ऐसे ही कटोरी की जैसा बनाना है, आप अंदर के साइड से बनाना है और इसे जाड़ा मत रखना क्योंकि जाड़ा रहेगा तो खाने में ना फिर चावल का आटा जो है ना आटा आटा लगेगा खाने में। इसके लिए हमें पूरा पतला बनाना है। आपको लगता है अगर थोड़ा सा जाड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा और इसको पतला बना सकते हैं, या तो फिर आटा भी इसके अंदर से निकाल सकते हो। छोटा गोला लेके इसे अच्छे से बना लेना पहला ऐसा हाथों से। आपके पास अगर छाछा है तो उससे भी बना सकते हो, उससे तो ईजी बन जाता है उसके अंदर आटा डालना। हमारे पास था नहीं तो हमने हाथों से ही बनाया है सब। तो गाइस किसी को अगर बनाने नहीं आता है तो आप लोग इस तरह से बना लेना है और इसे अंदर से रख के हमें पूरा इसे गोल बना के लेना है शेप। तो किसी को भी अगर नहीं आता है तो आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें बनाना है, इसे गोल जैसा मोदक का शेप देते हैं वैसा बनाना है। फिर हमें इसे अच्छे से बंद करके आपके फोग या कोई चम्मच के मदद से आप लोग इसे अच्छे से इसका शेप दे सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। इससे तो इजी बन जाता है, ज़रूरी नहीं है डिज़ाइन ही बनाए। आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा बन गया है ना, अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमने पानी को उबाल होने के लिए रखे थे, उबाल आ गया पानी में। हम इसे ये मोदक को हमने बना के रखे थे, हमें इसे स्टीम करना है 10 मिनट के लिए। हमें स्टीम करना है इसे, एक प्लेट लगा के इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो गाइस अभी हो गया 10 मिनट के लिए स्टीम करने रखे थे हमने मोदक, तभी अच्छे से बन गया। आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से पक गया है। तो अभी हम गैस को बंद कर लेते हैं। हमारा मोदक बनके रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सर्व भी कर लिया है। तो आपके पास केसर रहे तो आप इसके ऊपर जब हम स्टीम करने रखते हैं ना जब भी आप रख सकते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास था नहीं तो मैंने यूज़ करी नहीं हूँ। तो बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है हमारा मोदक। आप भी बनाओ और खाओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।